गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत दिनों के बाद आप सभी को ये जगह दिखाते हैं। ये देखो, कल दिन में आए थे, ये देखो उस दिन हम लोग जब प्लांटेशन किया था, ये देखो कल एक आदमी लेके हम सफा कराया है सुबह सुबह। ये देखो, ये हो गया हमारा गालो हेरिटेज सेंटर का मॉपिंग ग्राउंड। यहाँ पे हम लोग तोकू पत्ता प्लांट किया था, उसमें अभी ये देखो बहुत जंगल हो गया। ये जंगल को सफा करने के लिए हमने एक मेरा मंगल को लगाया था, वो कल आके थोड़ा सफा कर दिया है। अब भाई आधा बाकी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग प्लांटेशन करने से भी जब तक इसको सफ़ा नहीं करेगा तो काम का नहीं है, सफ़ा करना होता है। और सफ़ा करके जो ग्रास है, ग्रास को वहाँ अंदर में रूट के सामने में इकट्ठा करना होता है। ये बाद में जाके मैन्योर हो जाएगा, मतलब नेचुरल मैन्योर हो जाएगा। ये देखो, ये ताक बोलता है इसको हम लोग गालों में, ताक हून, ये हेरिटेज माना जाता है इसको, ये हेरिटेज प्लांट। क्योंकि हम लोग इसका बिना, पहले ज़माने में इसका बिना घर बनता ही नहीं था। अभी भी बस्ती में ये रूफ़ का रूप में यूज़ करता है। ये सिर्फ रूफ नहीं है, इसका घर में कुछ फंक्शन वंक्शन होने से, मिथुन उथुन या कुछ घर में कुछ सेक्रीफाइस होने से, उसको आदिन मीत बनाने के लिए भी इसको प्लेट का रूप में भी उसको यूज़ करता है। पूरा काट के उसमें मीत वगैरह काटता है, बड़ा लीफ जब चाहिए तो इसको यूज़ करता है। ऐसा करके ये हो गया सेकेंड गेट। और इसका जो फ्रूट्स भी बहुत सुंदर होता है देखने में, फ्लावर भी बहुत सुंदर होता है, और फ्रूट्स को भी खाते हैं, चटनी बना के खाते हैं लोग, अक्सर बोलते हैं, अक्सर भी बहुत खाने में मज़ा आता है। ये देखो, ये बहुत तकलीफ से उसको रेज करना पड़ता है। लाइक योर ओन चिल्ड्रन यू हैव टू ट्रीट दिस एज चाइल्ड, अपना बच्चा जैसा उसको पालना होता है। अंदर का रिव्यू करके देखता है। ये देखो, ये तो अच्छा हुआ है, बड़ा से लगाया था, ये भी हमने लगाया है, मेरा हाथ से भी अच्छा होता है ये प्लांट। ये भी अच्छा हुआ है, ये आलू से भेजा था कोई, ये तो उस दिन कलम किया था, आदमी लोग बोल रहा था क्यों कलम किया बोल के। ये देखो, कलम करने के बाद कितना अच्छा से निकला है, हमने कलम कराया था तो लोग बोल रहा था फूल फूलने वाला है, क्यों कलम किया है, ऐसे बोलने वाला भी था। लेकिन अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये ज़्यादा लंबा उठेगा तो फिर बाद में यहाँ एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है, हवा मारने से दाल वगैरह गिर सकता है, और ये जो डैमेज कर सकता है वाल को। ये भी ज़िंदा है, ये पूरा ग्रास क्लियर करना होगा। ये देखो, ये भी ज़िंदा है, ये भी ज़िंदा है, लेकिन इसको ग्रास क्लियर करना है। ये भी, ये मर गया। ये भी देखो, उस दिन का कॉलम क्या वाला कितना सुंदर से निकल गया, नीचे से भी निकालना शुरू हो गया। ये तो बला लग रहा है, ये भी ज़िंदा है, ये भी हम लगाया था, देखा है मुदरी, वो उधर से खरीद के लगाया था, कितना सुंदर से निकला है, वाह खुशी लग गया। ये भी हमारा लगाया वाला है, ये तो ज़िंदा है। ये एनसी था, ये मर गया। ये इलाका में अच्छा नहीं होता है क्योंकि ये थोड़ा सा डाउन एरिया है, तो पानी यहाँ जमा होता है, इसका वजह से इतना अच्छा नहीं हुआ यहाँ का प्लांट। उधर का भी मर गया है, उधर जो लगाया था एनसी का, दोनों मर गया। ये यहाँ पे पूरा वाटर लॉगिंग हुआ था इसका कारण से। तो ये थे अपडेट हमारा गालो हेरिटेज सेंटर का मॉपिंग ग्राउंड का, जहाँ पे हम लोग प्लांटेशन किया था ये सीज़न में। ये एक एक सीज़न में हम लोग डालता है, उसमें से कितना बचता है, 10 में से 5 बचने से भी हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो बच रहा है, फिर नेक्स्ट सीज़न लगाएंगे। ये बार का तो ये सीज़न ख़त्म ही हो गया प्लांट लगाने के लिए, तो इसलिए प्लांट लगाते रहना है, कुछ ना कुछ तो बच जाएगा, एक बचने से भी काफ़ी हो जाएगा। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके बचाते जाएंगे, और आफ्टर 10-15 ईयर्स हमारा जो मिशन जो है सक्सेस हो जाएंगे। थैंक यू।